हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की यहाँ पे जो मार्किंग सिस्टम है, यानी किसी भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी फैक्ट्रीज में जो ये ग्राइंडिंग व्हील का जो डिजिग्नेशन किया जाता है, जो उसको कैटेगराइज किया जाता है, वो एक टेबुलर फॉर्म में किया जाता है। उसी टेबुलर फॉर्म को कहा जाता है मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग। ये मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत हम ये रखते हैं, ये देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील की टाइप्स क्या है, बॉन्ड क्या है, ग्रेन क्या है, उसके साइज क्या है, और साथ ही साथ उसके डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं। ये सारी चीज को हमने एक फॉर्म पे बनाया है, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म पे बनाया है, उसी को कहा जाता है मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज में कभी भी मार्किंग सिस्टम कहा जाता है वो केवल एक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 51A, 36L, 5V and 23। यहाँ पे जो 51 शो हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग एब्रेसिव कोड। यानी कि अगर यहाँ पे 51 मार्किंग कर दी जाए, यानी कि ये मार्किंग सिस्टम हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको एब्रेसिव व्हील या फिर एब्रेसिव कोड का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज यहाँ पे बोल रहा है ए, ए हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी एब्रेसिव है, यानी कि जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील की जो एब्रेसिव मटेरियल्स हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था प्रीवियस वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन पे पूरी लिंक आपको मिल जाएगी। हमने टाइप्स भी डिस्कस किया था, ग्रेन साइज भी किया था, ग्रेड भी की थी, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हमने हर चीज ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी है विस्तार पूर्वक। यहाँ पे सिर्फ मैं मार्किंग सिस्टम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइप्स ऑफ एब्रेसिव हमारा क्या है। तो ए से हम ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा था एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और सीबीएन, ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है, ये ए ग्रेड के अंदर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। इसी तरीके से जो 36 हमारा रिप्रेजेंट करता है वो ग्रेन साइज बताता है, यानी कि जो एब्रेसिव मटेरियल में जो ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, उसकी साइज को वो रिप्रेजेंट करता है कौन, 36 मार्किंग सिस्टम। इस 36 मार्किंग सिस्टम में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पे कोर्स ग्रेन होते हैं, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन और वेरी फाइन ग्रेन होते हैं, जिसको हमने अलग अलग यहाँ पे टर्म से डिनोट किया गया था। एल हमारा जो मार्क कहलाता है वो हमारा ग्रिड बताता है कि वो जो हमारे एब्रेसिव है उसकी हार्डनेस कितनी होती है। बेसिकली मैंने आपको बताया था ये जो ग्रेड है ये हमारी हार्डनेस के आधार पर हम रखते हैं। तो हमने भी यहाँ पे ए बी सी डी से लेके जेड तक अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें से था वेरी सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड और वेरी हार्ड। ये सारी चीज हम ग्रेड के अंदर रखते हैं, यानी कि एब्रेसिव पार्टिकल्स हम हार्डनेस यहाँ पे बताते हैं। जो फाइव मार्किंग सिस्टम, यानी कि जो फाइव मार्क अगर हम देखने को मिलता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर को बताता है। स्ट्रक्चर मतलब कि उसकी डेंसिटी को बताता है। अगर एब्रेसिव व्हील में ज्यादा ग्रेन्स हैं तो वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो जीरो से लेकर बढ़ता हुआ चलता आता है 15 की तरफ, तो अगर वो जीरो से चालू हुआ है तो वो डेंस एरिया कहलाता है, यानी कि डेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। और जितना ही वो 13, 14, 15 के आसपास आता जाएगा वो हमारा ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो वो हमारा फाइव मार्किंग सिस्टम आपको पता चल गया होगा कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उसके स्ट्रक्चर को बताता है। वी हमारा कहलाता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब यहां पे बात आती है कि जो एब्रेसिव व्हील होती है, यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील होती है, उस ग्राइंडिंग व्हील पे हमारी बॉन्डिंग होती है। जो एब्रेसिव छोटे छोटे होते हैं वो अपना बॉन्ड बनाकर रखते हैं। तो बॉन्ड हमारा यहाँ पे वी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वी मार्किंग सिस्टम यही बॉन्ड बताता है, जिसमें से हमने वर्टिफाइड, रबड़, रोजोनाइट और सिलिकेट बॉन्ड, ये सारी बॉन्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी। 23 हमारा बताता है मैन्युफैक्चरर रेफरेंस। यहाँ पे मार्किंग सिस्टम ये याद करना पड़ता है, किसी भी इंडस्ट्रीज में इसी टर्म्स को याद किया जाता है और इसी के आधार पे हमको मालूम होना चाहिए या मैन्युफैक्चरर को मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी टर्म का यूज किया जा रहा है या फिर किसी भी टर्म को कहा जाता है तो वो कौन सा टर्म है और उसको किस तरीके से यहाँ पे हमको वो चीज फाइंड आउट करनी है। ये चीज हमारा कहलाता है मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करिएगा। तब तक शुक्रिया। जय हिंद, बाय बाय।